लद्दाख करके दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी देखो धूप कैसा हो रहा है, धूप में होगा एक राइड, तो निकलते हैं घर से। जो लद्दाख का प्लान कर रहा हूँ, काफ़ी बहुत सामान खरीदना पड़ रहा है, तो निकलते हैं। तो अभी मैं अपना बाइक को थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा था, तो थोड़ा कुछ आवाज़ दिया। क्या बोलो, ये देखिए झंडा लगा दिए हैं बीजेडी और बीजेपी का, ज़्यादा का ज़्यादा बीजेडी लोगों का झंडा देखने के लिए मिल रहा है। मैं सोलो राइडर जो जाएंगे लद्दाख, अभी तक भी मेरा बाइक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, और आगे वाला काम किया था फिर भी थोड़ा आवाज़ कर रहा है। लद्दाख राइड करना इतना आसान नहीं है, कम से कम एक महीना हो गया अभी तक मेरा सामान खरीदना बंद नहीं हुआ है। कुछ सामान बाहर से खरीद रहा हूँ तो कुछ सामान ऑनलाइन से। पहले चलते हैं थोड़ा शोरूम तो नहीं, एक गैरेज चलते हैं। मैं ज़्यादा टाइम शोरूम जाता हूँ तो इसीलिए शोरूम बोल दिया। कुछ सजेशन लेना है, अपना बाइक का थोड़ा हेड का काम करना है। हाँ भाई, काम चल लीजिए। मेरे सामने हिमालयन देखो, पहले हिमालयन को दिखाते हैं। भाई जा रहे हैं ऑफिस, भाई का हाइट थोड़ा कम है इसीलिए वो इतना बड़ा गाड़ी में बैठा है, तो काफ़ी लुक बहुत अच्छा दिख रहा है। एक्चुअली गाइस मैं गया था वो गैरेज तो हेड का काम करने के लिए मैं बोला, मेरा जितना भी प्रॉब्लम होता है छोटा मोटा होता है, एक भाई ने मेरे को बोला कि थोड़ा हेड काम करके जाओगे तो अच्छा होगा लद्दाख के लिए। मैं सोचा कि हेड का काम मतलब ऊपर से थोड़ा सा कुछ काम होगा ऐसा कुछ सोचा, लेकिन वो बोला कि हेड का काम मतलब टोटल खोलना पड़ेगा, लेज मशीन पे जाएगा भाई, वॉश करेंगे वहाँ पे। अरे भाई रहने दो, मैं बोल रहा था कि अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो खोलना चाहिए। इतना दूर जाऊँगा फिर भी अंदर में थोड़ा डर है। अभी तक मेरा बाइक का टायर आगे वाला चेंज नहीं किया, और 22 दिन के बाद जाना है लद्दाख। जब गड्ढा में मेरा चक्का चला जाता है तो आगे वाला साउंड करता है, ये वाला साउंड तो पहले कर रहा था, इसका सॉल्व किया था फिर भी आवाज़ कर रहा है। मेरा प्लानिंग था ये मई महीना पे, जो दोस्त मेरे साथ जाने वाला था उसका थोड़ा काम के वजह से और एक महीना आगे करवा दिया। कितना सामान खरीदना है पूछिए मत, बहुत सारा सामान खरीदना है। जो पैसा रखा हो बस जाने आना खाना पीना रहने का, और बाकी का भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, बहुत मुश्किल है। सर किले मिलेगा, किले दीजिए। तो कितना बड़ा चाहिए, कितना होने से चलेगा? खदी का देंगे या प्लास्टिक का देंगे? मैंने नहीं, प्लास्टिक का नहीं है, कपड़ा का चाहिए, वो खदी का। हाँ, प्योर प्योर का। बस अपना ये जो कैमरा में थोड़ा लगाने के लिए, अगर बारिश हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली मैं लद्दाख जा रहा हूँ। लद्दाख? हाँ, ये मेरे बाइक में जा रहा हूँ। हाँ, मेरा दोस्त भी गया था। ऐसा क्या? मेरा दोस्त तीन बार गया है, सुनील पंडा। अच्छा 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 अच्छा, तीन बार गया। वो तो आर्मी वाला है, मैं तो आर्मी और कुछ नहीं हूँ, चढ़ा देता है पूरा एकदम ऊपर। अगले महीना जाऊँगा 8 तारीख को, तो ये लेके जाना जरूरी है। कब जाना है? जून 8 को जाऊंगा। कहाँ रहते हैं? मैं मोदीपड़ा में रहता हूँ। अच्छा। जाओ मत भी खुश लगा कि अपन मत किसी सपोर्ट कर ले, अपन किसी कहले मैंने नंबर नहीं ले मैंने तो ना किसी सपोर्ट कर ले। से वो सर के साथ मैं जो बात किया काफ़ी बहुत अच्छा लगा, और वो भी मेरे साथ काफ़ी बहुत समय से टाइम स्पेंड किए मेरे साथ, झंडा लहराते हुए झंडा, लेकिन ये बीजेपी का झंडा। आज मैं सोच रहा था चलो आज घर से निकलते हैं, एक ब्लॉग करते हैं, इसीलिए कि अभी जो माइक पे मैं अपना बात कर रहा हूँ माइक पे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक सेट हो पा रहा है कि नहीं अपना एडाप्टर के साथ। और एक मानो माइक है जो उसको भी इतना बार कम से कम कितना 20-25 बार यूज़ कर चुका हूँ, कभी कभी साउंड आता है उसमें तो कभी कभी साउंड नहीं आता है, मतलब वॉइस कैप्चर होता तो वॉइस कैप्चर नहीं होता है, और ये तो मेरा नया वाला है, घर जाके खोल के देखना पड़ेगा वॉइस रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। अभी सुबह सुबह तो इधर इधर घूम रहा हूँ, बैटरी इतना जल्दी गर्म नहीं हुआ होगा,
अगर ज़्यादा टाइम तक घूमेंगे, 2-3 घंटा तक घूमेंगे, तो बैटरी गर्म होके भी कुछ हो सकता है। सब कुछ ट्राई करना चाहिए बार बार। हाँ, अगर घर के आसपास इधर उधर घूम रहे हैं, घर से 50-100 किलोमीटर इधर इधर जा रहे हैं, मान लीजिए उसका वॉइस कैप्चर नहीं हुआ है, हम क्या करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं। जो कैमरा पे वॉइस रिकॉर्ड होगा उसका क्वालिटी अलग लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे रुकना पड़ा, इसीलिए कि अभी जो मैं स्टोर से क्ले जो लिया वो क्या करेंगे, मैं जो हाँ जा रहा हूँ, अगर वहाँ पे बारिश हो जा रहा है तो एक मैं क्रिस्टल केस रखा हूँ, प्लास्टिक का केस रखा हूँ अपना गोपर के लिए। तो मैं कुछ जुगाड़ बना रहा हूँ, उसमें कुछ होल करके अपना क्ले फिटिंग करेंगे, क्ले में फिक्स करके, और जो साइड में जो पॉइंट है, होल में जो पॉइंट है, अडेप्टर का जो पॉइंट रहेगा, माइक का जो पॉइंट रहेगा, उसमें थोड़ा सा पानी अंदर नहीं घुसेगा, इसलिए मैं क्ले लिया हूँ। ये देखिए क्ले, ये मिट्टी टाइप का है, लेकिन जैसे मोड़ेंगे ऐसा ही होगा, लेकिन ये ख़राब नहीं होता है, मतलब चिपकता नहीं है। तो काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो झंडा लिया, तो लद्दाख में इसको लहराएंगे वहाँ पे, तो ये ले लिया, मैं सोचा इसको लेके जाना सही है। और पसीना तो बहुत निकल रहा है, क्या करें गर्मी में, शायद मुझे जो लग रहा है जून का महीना में गर्मी कितना होगा पता नहीं, जो भी हो राइड करेंगे, लद्दाख करके दिखाएंगे। और काफ़ी मैं बहुत दोस्त लोग को भी कितना बोला, और कितना रिलेशन लोग भी मुझे बोल रहे थे कि इतना दूर जा रहा है, मतलब अकेले मत जा, लेकिन अपना टाइम के हिसाब में अकेले जाना पड़ेगा, तो निकलते हैं। अरे अभी धूप कर रहा था, अभी हो गया छाव, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो मैं अपना लॉन्ग राइड का काफ़ी बहुत जल्द कंप्लीट कर पाऊँगा। ये हमारा महानदी रिवर पे पानी देखो, यहाँ पे एक आनिकट है, जो आनिकट बोला जाता है, तो थोड़ा सा ऊपर में है, तो वहाँ पे थोड़ा पानी स्टोर होके रहता है। यहाँ पे देखो अभी धूप का मौसम है, तो पानी यहाँ पे कितना जमा हुआ के रहता है, यहाँ पे काफ़ी बहुत कम पानी कम रहता है, और बारिश के दिन में भाई इतना ऊपर आ जाता है। ये आनिकट है, जो आनिकट बोलते हैं, और ये चलने वाला रास्ता उधर साइड चल के इस साइड से उस साइड जा भी सकते हैं। अभी थोड़ा पानी इधर थोड़ा भरा हुआ है, आगे थोड़ा सूखा है। यहाँ पे एक मंदिर है, जाओ बात करते, ये मेरे पीछे में आ गया ये स्कोडा, पता नहीं चला मुझे। ये कार वाला क्यों रुक जा रहा था, जब मैं सोचा कि अरे इधर सब आ रहे हैं, अरे उस तरफ क्या हुआ, उस तरफ, अच्छा उस तरफ रोड बंद है, कुछ काम चल रहा क्या, पता तो नहीं चल रहा ऐसा कुछ काम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले, कम से कम कितना दिन होगा, कम से कम एक हफ्ता हो जाएगा, यहाँ पे इतना पानी नहीं था, सूखा था। जो मुझे लग रहा है ऊपर से पानी भर गया है डैम पे, तो इसीलिए पानी छोड़ा होगा। यहाँ पे बाइक रखते हैं, हमारा संबलपुर का जो समलेश्वरी टेम्पल, इसका जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी तक कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन धूप के मौसम में यहाँ आओ, खड़े होके गप्पा सप्पा मारो, खाना पाना करो। और नीचे में देखो एक डंपर आ रहा है, और वहाँ पे कितना, 1-2-3-4 भैंस पानी के अंदर मजा कर रहे हैं, और वहाँ पे एक आदमी नहा रहा है, और पानी तो अभी भर गया भाई, हमारा हीराकुड डैम जो है ऊपर में ज़्यादा पानी भर गया, तो इसीलिए ओवर होने के कारण इधर छोड़ दिया है, ये हो सकता है। लेकिन ये ऊपर वाला रास्ता कब कंप्लीट होगा, और ऐसा छांव रहेगा तो राइड करने में और मज़ा लगेगा, गर्मी इतना टच नहीं होगा अपना शरीर के ऊपर, क्या करें। सब लोग चाहते हैं कि हमारे एरिया सिटी हो, सिटी के नाम पे सब पेड़ काट देते हैं भाई,
और क्या करेंगे। चलो भाई चलो 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 जाने देते हैं। तुम्हारा गाड़ी का लंबाई बहुत बड़ा है मेरे से। अगर तुमको जाने नहीं देंगे मेरा जैसा छोटा मोटा बाइक भीड़ कर देंगे और तुम आगे नहीं जा पाओगे। ये ट्रक में क्या है? चैनल, लोहा का चैनल। ये क्या हो गया मेरा मिरर को? अरे अरे ये जो ऑफ रोडिंग टाइप का रोड देख रहे हो ना, खाबड़ खाबड़ रोड, इसी वजह से मेरा मिरर भी लूज हो गया है। अरे ये हमारे एरिया में ऐसे लूज हो जाएगा, इतना दूर जब जाएंगे क्या करेंगे भाई। मैं सोचता हूँ कि जो बाइक पे एक्स्ट्रा सामान लगाता हूँ तो इसी वजह से थोड़ा सा लूज हो जाता होगा, ऐसा जो सोचता हूँ। जो कंपनी से जो सामान फिट करता है और फिट करके जो देता है अपना हिसाब में जितना ज़रूरत है, तो वो वाला इतना लूज नहीं होता होगा। और हम लोग जैसे एक तो मोबाइल होल्डर लगा दिए कहीं पे लाइट फिटिंग करने के लिए, उसका क्लाम फिटिंग करेंगे दूसरा पार्ट्स में, इसी वजह से ऐसा जो पार्ट्स लगा रहे हैं टाइट तो करते हैं फिर भी काम नहीं होता होगा, लूज हो जाता होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ अपना बाइक का लुक इतना कोई नहीं देखता होगा, बाइक का जो एग्जैक्ट साउंड करता है ना इसी वजह से लोग पलट मार के देखते हैं। 25 तारीख को इलेक्शन है, क्या होगा? एग्ज़ाम चलेगा, एग्ज़ाम मिनिस्टर लोगों का एग्ज़ाम चलेगा, बोर्ड एग्ज़ाम, कौन पास होगा कौन फेल होगा। ये रोड पे जितना बार आता हूँ मैं काफ़ी टाइम सोचता हूँ अगर कोई लिफ्ट मांगे तो मैं लिफ्ट दे दूँगा, मिलता नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी घर पहुँच गया, क्या करें धूप में इतना टाइम नहीं घूम सकते हैं, कितना धूप है देख रहे हो ना। अभी कुछ टाइम पहले थोड़ा सा छाँव किया था, हल्का सा छाँव किया था बस 2 मिनट के लिए, तो चेहरा का हालत देखो कैसा हो गया है। और वीडियो को एंड करने के लिए कैसा जगह में मैं खड़ा हूँ देख रहे हो ना, ऐसा जगह है मेरे पीछे देखो दरवाज़ा, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ क्यों ना, अंदर कपड़ा सुखाया हुआ है तो जगह नहीं है घर पर। और यहाँ पर कोई चिल्ला रहे, बच्चे लोग वहाँ पर खेल रहे हैं देख रहे हैं ना, वहाँ पे बच्चे लोग कैसे खेल रहे थे। और मैं अपना वीडियो को एंड करने के लिए धूप में घूम रहा हूँ। और ये जो इंडियन फ्लैग लिया, आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो ज़्यादा खुश लग रहा है, गर्व लग रहा है, जो इंडियन का लड़का हूँ तो मुझे फ्लैग मिल गया। वहाँ पे लहराएंगे लेह लद्दाख में खरदुंगला पास, और जगह देखेंगे कहाँ कहाँ पर करेंगे कहाँ पर नहीं करेंगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपका ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करेंगे, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, रखते हैं मिलते हैं, बाय बाय।